Welcome. Exercise 2.3, question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. ये इसका factor है या नहीं है ये आपको check करना है. Factor कब होता है? जब मैं उसका divide करता हूँ और आपका remainder 0 आता है. ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर solve करूँगा by remainder theorem से. तो 7 plus 3x means जो आपका divisor है उसको हम लोग 0 रखेंगे इस equal to में. क्लियर हो गया? तो देखेंगे यहाँ पर 3x या पर 7 इस तरफ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा. ठीक है, x is equal to minus 7 by 3. ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया. तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? px आपका क्या है? 3x cube plus 7x. क्लियर? अब देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आपको इसमें पुट करना है. 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 बाई 3. ठीक है, और आपका रहेगा ये प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 3. ठीक है, और यहां पर देखिए x की पावर क्यूब है, मैंने यहां पर पावर लगा दिया. नेक्स्ट देखेंगे 3 इंटू 7 का क्यूब क्या होगा? 7 जा 49, फिर से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे. 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 34, 343. लेकिन ये आपका माइनस का रहेगा 343, क्योंकि ये माइनस का है और आपका क्यूब है. माइनस का जब क्यूब करते हैं तो आपका आंसर माइनस का आता है और 333. ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो माइनस रहेगा. 7 जा 49 बाई 3 ये आपका रहेगा. ठीक है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस 343 बाई 9 माइनस 49 बाई 3. क्लियर? इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा. ठीक है, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं. इनका एलसीएम लेंगे तो 9 रहेगा आपका. ये 9 सेम है तो ऊपर वाला भी आपका सेम रहेगा. माइनस 3 जा 9 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर 3 9 27 कैरी 2 34 जा 12 और 2 14. देखेंगे इसको ऐड करेंगे कि माइनस माइनस आपको जाएगा प्लस 43 7 3 10 कैरी 1 4 4 8 और 1 9. ठीक है, 3 और 1 4 माइनस का अपॉन 9. देखेंगे यहां पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो यहां पर लिखेंगे सो 7 प्लस 3x इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर सॉरी 3x क्यूब प्लस 7x. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. इसके बाद आपका ये स्टेप है. ठीक है, उसके बाद ये है. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सॉल्व किया. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑल द बेस्ट.